हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके हमारे पास में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं या आप बोल सकते हैं कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज समथिंग इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है अपने पास में द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजन चॉइस ऑफ द ओरिजन का मतलब ये हो गया कि किस पर्टिकुलर ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है जो चॉइस ऑफ ओरिजिन होता है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती ठीक है ये इसका पॉइंट का कहने का मतलब है अब सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द टाइम इंटरवल अब ये टाइम इंटरवल पे भी डिपेंड नहीं करती मतलब अगर मान लो कि इस एक स्ट्रेट रोड पर कोई गाड़ी चल रही है तो उस स्ट्रेट रोड का कोई भी आप टाइम इंटरवल ले लो उस टाइम इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ जो सेम तरीके से चल रही है आप कहीं से भी उठा के देख लो वो सेम ही रहेगी राइट तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में तो वहां पे क्या होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि आप एक तरीके से ये समझ सकते हो डिस्टेंस क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट में से मैग्नीट्यूड को ही रखा जाए तो वो आपका डिस्टेंस बनेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा इक्वल होगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन है उन दोनों का इट मीन्स कि अगर आप एक स्ट्रेट रोड पर ही गाड़ी चला रहे हो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चला रहे हो तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों इक्वल होता है, है ना क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहा है तो वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए स्ट्रेट रोड पे ऐसा नहीं है कि आप आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में आपको एक ही डायरेक्शन में जैसे एक्स पॉजिटिव में चल रहे हो तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको कंटीन्यूस चल रहा है वो भी सीधा सीधे, -सीधे है। तो उस केस में क्या होता है जो डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है करेक्ट अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजन एंड नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजन इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में कि अगर ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट में जाते हैं ओरिजिन कहाँ पे होता है अपने पास में अगर मान लीजिए कि हम लोग ये एक लाइन ले लें यहाँ पे ये इसको अपन ने मान लिया ओरिजिन ओ अगर हम लोग राइट में चलते हैं इस तरफ है ना तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी दैट विल बी पॉजिटिव अगर हम लोग लेफ्ट में चलते हैं इस तरफ तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपकी नेगेटिव ठीक तो है ये इस पॉइंट का मतलब है अब फिफ्थ पॉइंट देखें तो उसमें क्या दिया है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन ऑब्वियस ही बात है फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, है ना तो जिस मोशन से वो चल रहा है उसी मोशन से वो चलता रहेगा उसके अंदर आपको बाहर से कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है अगला पॉइंट है अपने पास में सिक्स इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखिएगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वो किसके इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के यानी कि उसकी जो भी एवरेज वेलोसिटी उसकी इक्वल आएगी सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज के इक्वल होगी है ना एट ऑल टाइम्स सभी टाइम पर बिकॉज वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट एट इच इंस्टेंट और एट इच पॉइंट ऑफ द पाथ यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी कॉन्स्टेंट रहेगी किसी भी पॉइंट पर या किसी भी पाथ पर मान लीजिए आप एक स्ट्रेट रोड है एक स्ट्रेट रोड पर जा रहे हो है ना तो अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछूं कि यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी तो यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो आप बता दो मान लो कि ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आपने बता दिया करेक्ट और अगर यहीं पे मैं आपसे ये पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चला यानी कि हम यूनिफॉर्म मोशन की जब बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है है ना तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वन जो वन सेकेंड है वन सेकेंड में कितना ट्वेंटी मीटर कवर कर रहा है तो वन सेकेंड में ट्वेंटी मीटर यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यही है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी यही है करेक्ट तो ये होते हैं इसके कुछ आ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में समझ लीजिए या फिर इसकी फीचर समझ लीजिए ऑलराइट सो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग